सक्षम न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम चुनाव बोलता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है, एक तरफ लोकतंत्र खतरे की बात होती है, दूसरी तरफ चुनाव में जिस तरह जुमले वाली पार्टी। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो विकास था, लोगों ने कहा था विकास है, योगी सरकार थी, यूपी में थे आप, लेकिन आपने कमल को रोक दिया था, साइकिल को खिलाया था, लोगों ने बोला था लहर है, आप जीत कर आए थे, क्या वही करिश्मा आप फिर मुंबई में होने वाला है? देखिए, मुंबई शहर से रह करके उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे अपनाया और उत्तर प्रदेश की जनता ने दो दो बार विधायक बनाया। ये तो मेरा घर है, यहाँ का हर गली मोहल्ला मैं जानता हूँ और वहाँ से तो मैं वाकिफ नहीं था। यहाँ पे वोटर शांत है, वो उनको खाली एक ऑप्शन चाहिए था और वो ऑप्शन सुभाष पासी उनको मिल गया है, जो काम करने वाला एक नेता है। उन्होंने सबका कार्यकाल देखा है और सारे नेताओं के दल में आपसी फूट है, कोई फूटी आंख से नहीं देखना चाहता कि ये जीते। तो एक हमारे लिए सुनहरा मौका है, बहन मायावती और अखिलेश जी का जो गठबंधन है वो साइकिल चलेगी और दिल्ली जरूर जाएगी। साइकिल की बात करें तो आपकी साइकिल, अगर गाजीपुर की बात करें या फिर सचिवालय की बात करें, मैं आपको देखता हूं जिस तरह से अगर सचिवालय में होते आप दहाड़ते हैं या फिर वहां रहते हैं, विकास की बात करते हैं, लोग आपको पसंदीदा नेता बताते हैं, यहां जिस तरह का चुनाव है, दो दो नेता हैं, शिवसेना के प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी है, जो भी सारे मिलके चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी, आप उसको ले रहे हैं, आप एक डायनेमिक छवि के रूप में जाने जाते हैं, उत्तर भारतीय एक नेता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, उनको कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए, उत्तर भारतीयों का जो वोट बैंक है वो कम से कम 4.25 लाख है और 4.25 लाख माइनॉरिटी का भी वोट है, 1.25 लाख दलित वोट है, ये जो 9 लाख वोट है ये बहुत बड़ा फैक्टर है और मैंने उन लोगों के उनके लिए काम किया है। चाहे दंगा हुआ हो, चाहे बम ब्लास्ट हुआ हो, 26 जुलाई की बाढ़ आई हो, चाहे ताजकांड हुआ हो, मैं उन भाइयों के बीच में रहा हूँ और हमेशा मैं उनके सुख दुख में रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुनील दत्त जी के जरिए उनके साथ काम करने का मौका मिला और यहाँ पे मैं 25 साल राजनीति किया, 10 साल मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष रहा, 20 साल से मैं छठ पूजा कराता हूँ, ये सारे उत्तर भारतीय लोग मुझे जानते हैं। उत्तर भारतीय समाज को, भोजपुरी को एक दर्जा दिलाने का काम और भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने का काम, भोजपुरी कलाकारों को बढ़ाने का जो जिम्मा मैंने लिया था, मैंने उसमें कामयाबी हासिल की, तो सारे लोग मुझे जानते हैं। आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की भूमि बलिदान के लिए जानी जाती है, हेमंत करकरे 26/11 में शहीद हुए थे, लोग उनकी शहादत को आज भी याद करते हैं, उनकी वीरता को। वहीं दूसरी ओर भाजपा की एक नेत्री है साध्वी, उन्होंने का एक बयान है, जिस तरह से बयान दिया है, आप उस बयान की किस तरह से निंदा करें? देखिए, साध्वी जी ने जो बयान दिया है वो उनका विचार है, करकरे जी महाराष्ट्र के थे, उनको हम सलाम करते हैं कि उन्होंने शहादत की। और रही बात, हर आदमी को ऑप्शन है, कोई भी बयान दे सकता है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मेरी बात करूँगा कि मैं क्या लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, लोगों की समस्याओं को उठाना है। यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है, ठेले वाले, सब्जी वाले, केला वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, मील की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं इनकी ओसी नहीं आई है, पानी की समस्या है, टैक्स की समस्या है, अडानी का जो बिल बिजली का इतना आ गया है कि लोग परेशान हो गए हैं, एक महीने का बिल नहीं भरो दूसरे दिन काटने के लिए चले जाते हैं, ये सारी समस्याएं, इनकी आवाज़ को मुझे संसद में उठाना है, क्योंकि देश के हर इकोनॉमी को बेचा जा रहा है, जो गवर्नमेंट की साधन है, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। जिस तरह से आप पे जनता ने, गाजीपुर सैदपुर की जनता ने भरोसा दिखाया, एक बार आप विधायक थे, दोबारा आपको रिपीट किया, लोगों ने बताया था कमल, मोदी और योगी की लहर होने के बावजूद आपने साइकिल को सचिवालय चलाया, पहुंचाया, क्योंकि जनता का विश्वास था, जनता के बीच में रहते हैं, ये करिश्मा यहाँ भी देखने को मिलेगा? देखिए, मुंबई शहर में मैंने बहुत काम किया है और खास करके पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। मेरे मिसेस का एक NGO चलता है जिसका नाम है अक्षर फाउंडेशन। अब तक अक्षर फाउंडेशन से 973 लोगों की डेड बॉडी मुंबई शहर से हम उत्तर प्रदेश और उनके नेटिव प्लेस में पहुंचा चुके हैं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई यदि गुजर जाता है, जब किसी परिवार में ऐसा हादसा होता है तो उसके ऊपर पहाड़ टूटता है, तब वो सोचता है कि मैं मेरे परिवार में कैसे जाऊं, परिवार तो आ नहीं सकता, तब हमने उस बॉडी को बाई फ्लाइट फिर हमारी अक्षर फाउंडेशन के एम्बुलेंस से उनके घर पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये काम मैंने यहाँ किया है और ख़ास करके मैं उन भाइयों के लिए, जो मेरे भाई उत्तर प्रदेश 2000 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे रोजी रोटी कमाते हैं, कभी आपने सोचा है 10 बाई 10 के घर में मेरा उत्तर भारतीय भाई रहता है,
लेकिन महीने में लाखों का मनी ऑर्डर उत्तर प्रदेश भेजता है, उसको भैया से नवाजा जाता है, भैया कहा जाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो भैया वहाँ का लखपति करोड़पति के बेटे की शादी से कहीं ज़्यादा अपने बेटी और बेटे की शादी में खर्चा करता है। 3 तल्ला मकान है उसका, 2-2 स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन मेरा भाई यहाँ पे खोमचा से मूँगफली बेचता है। पासी जी, एक बड़ा सवाल, उत्तर भारतीयों की जो राजनीति है, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, भैया बना के भैया की जो राजनीति होती थी, यहाँ भैयाओं के बहुत जुल्म अत्याचार किए जाते हैं, स्थानीय जो नेता है वो लोग आज चुनाव में खड़े हैं, किस तरह से अगर उनको उत्तर भारतीय बोलते हैं हमारा हमें वोट करेंगे, आपको लगता है उत्तर भारतीय? इसके पहले जब उत्तर भारतीय कल्याण में मारे जा रहे थे तो आप ही ने अपने कलम से लिखा कि ये मारने लायक ही, इनको मारना ही चाहिए। जो मुसलमान भाई से आज आप वोट मांग रहे हो और आप कहते हो कि मस्जिद के ऊपर भोंगा हटा दो, अजान मत करो, हमारी नींद खराब होती है, तो ये सारे वक्तव्य आपने ही दिए हैं और आज उन्हीं से आप वोट मांग रहे हो। जनता वोट नहीं देगी, जनता समझ चुकी है, जो आदमी सांसद है वो भी उसी दल का है और जो दूसरा खड़ा है वो भी उसी दल से आया हुआ है, तो हर आदमी समझ रहा है कि कौन क्या है। 20 साल बाद बहन जी और नेताजी एक मंच पे नजर आए, बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीर थी, कल का जो प्रोग्राम देखा गया, इसी से तो देख करके लोग आप क्या देखते हैं, किस तरह से ये जादू खिलेगा पूरे देश भर में? देखिए, नेताजी, बहन जी और अखिलेश जी एक मंच पे आए तो पत्थर पे धूप जामी है, जो कभी नहीं हो सकता। आप 41 गठबंधन कर सकते हो और ये 2 गठबंधन से आपके नींद हराम हो चुकी है। तो बहन जी और मायावती जी जब आए हैं तो देश की दिशा को बदलने के लिए, आज देश किस दिशा में जा रहा है, इस बार चुनाव हो गया और फिर से सरकार जो दिल्ली में है बन गई, तो भविष्य में चुनाव नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों के शब्द हैं और उन्हीं लोगों को टिकट देके कहा गया है कि चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था भविष्य में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इतना जरूर जान लीजिए कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कमिटेड हैं, बहन जी का आदेश हो गया ना तो सारा का सारा वोट, यदि उनका वोट 10,000 है और आपका वोट 50,000 है तो 50,000 से कहीं ज़्यादा कारगर उनका 10,000 वोट है, क्योंकि 10,000 वोट में पोल कितना होगा मालूम है? 9,000। शुक्रिया। 50,000 में कितना होगा मालूम है? 20,000। तो मतलब जीत सुनिश्चित है 100%। पासी जी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं।